नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। काफी दिनों से मेरे पास में एक नेक की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज आप इसको बनाए। काफी सारे मेरे पास में कमेंट आए थे। और ये वाला जो गले का डिजाइन है ना, ये आप किसी भी कुर्ती में बना सकते हैं, यानी कैसी भी फैब्रिक हो, किसी भी डिजाइन का कुर्ती हो, उसमें आप बना सकते हैं। और बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से आज मैं आपको एकदम नया गले का डिजाइन बनाना बताऊंगा। और ये इस तरीके के गले का डिजाइन है, अगर एक बार आपने बना लिया ना, सिंपल कुर्ती में भी अगर आप बना लेंगे तो पूरी कुर्ती का लुक ही बदल जाएगा। अब समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुर्ती के अंदर मार्किंग कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की करते हैं इसी तरीके से करनी है। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी की हुई है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसकी लंबाई के मैंने मार्क लगाया, ठीक है। और यहाँ से मैंने जो तीरा रखा है, मैंने रखा है 7 इंच, क्योंकि इनका जो तीरा हुआ है 14 इंच, 14 घाप बनेगा 7 इंच, क्योंकि हम इसको कॉलर वाला बना रहे हैं। और कॉलर वाले में क्या होता है, जितना तीरा होता है हमको उतना ही रखना होता है, ठीक है। और यहाँ मैंने इसका आर्मोल का निशान लगा दिया, ये इसके सीने का निशान है, ये कमर का है और ये हिप का है, ठीक है। जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती में निशान लगाते हैं कॉलर वाली में, सेम आपको इस तरह से निशान लगाना, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करना। अब चेंज क्या करना है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। ये लंबाई वाला जो निशान है ना, यहाँ पे आपको 3x3 का एक बॉक्स बनाना है। किस तरीके से, सिंपली यहाँ पे 3 इंच ऊपर एक निशान लगाएं, ठीक है, और 3 इंच का निशान लगाएं आप यहां पर, और इस निशान को इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लें, ठीक है। और यहां पर आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लें 3x3 का, बस आपको यही चेंज करना है। और बाकी सेम कुर्ती के अंदर आपको जैसे मार्किंग करनी ऐसी करनी है। और यहां से हम डाउन रखते हैं कॉलर वाले में 1 इंच, तो आपको 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है और सिंपली इसको इस तरीके से डाउन करना है, ठीक है। एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हम कॉलर वाली कुर्ती में निशान लगाते हैं, सेम तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको 3x3 का बॉक्स बनाना है और यहां से डाउन करना है, और उसके बाद में आपको करनी इसकी कटिंग। तो देखिए, फ्रंट पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है, अब बैक वाले पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है। इस कपड़े को पूरे को आपने ऊपर सरका लेना है और इसको इसके ऊपर जमाना है। तो देखिए, इस कपड़े के ऊपर मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। अब आपको इसकी सेम कटिंग करनी है, लेकिन इसमें भी आपको एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, आपको पता ही होगा कि जो बैक वाला पार्ट है हम 1 इंच बड़ा रखते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ इस निशान पे, और सिंपली यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इन निशानों को आपने इस तरीके से मिलाना है इस तरीके से, ये देखें। अब आपको क्या करना है, इसकी सेम एज इट इज कटिंग करनी है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा गले के ऊपर, तो इसकी स्लीव्स कटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम सिंपल कटिंग करते बाजू की, ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इसका बैक वाला पार्ट है और ये है फ्रंट का, ठीक है। अब हम फ्रंट में क्या करते हैं, 1.5 इंच का डाउन करते हैं, तो इसमें मैं डाउन भी कर लेता हूँ। तो कुर्ती की कटिंग तो देखिए सिंपल हमने कर दी। अब हम करें इसकी नेक की कटिंग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब गला कटिंग करने के लिए आपको क्या, पेस्टिंग लेनी है, ठीक है। हम नॉर्मली बुकरम पे गला कट करते हैं, बट आपको पेस्टिंग लेनी है। तो आप समझे गले को कटिंग किस तरीके से करना है, ध्यान से समझना, मेन इसका यही पॉइंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेस्टिंग जो लेनी है ना, उसकी जो चौड़ाई रखनी है आपको रखनी कम से कम 9 से 10 इंच। तो ये देखिए यहाँ पे 10 इंच है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। अभी इसको इस तरीके से आप डबल फोल्ड करें, ठीक है। बराबर कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में 3x3 का वो बनाया था ना सांचा, सेम आपको यहाँ पे बनाना है। 3 इंच का निशान आप यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और 3 इंच का लगाएं आप यहाँ, और इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप गले का साइज बना रहे हैं उस साइज को आप रखें यहाँ पे। मैं जो गला बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 7 इंच का, तो नीचे वाला जो निशान है ना यहाँ पे 7 इंच पे आप मार्क कर लें एक, ठीक है। और यहां से हमने रखा था इसको 3 इंच, लेकिन यहां से आपको रखना है 3.5 इंच, आपको 1/2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। और इन निशानों को इस तरीके से आपने मिलाना है, ये हल्का सा तिरछा लगेगा निशान आपको इस तरीके से, ठीक है।
अब आप जो भी गला बनाना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस हो, राउंड शेप का भी बना सकते हो, स्वीट हट नेक भी बना सकते हो, लेकिन हल्टर नेक में दो ही प्रकार के गले चलते हैं, एक तो मटका शेप और एक चलता है क्रॉस नेक। ठीक है, तो मैं इसमें क्रॉस नेक बना देता हूँ। बहुत सिंपल है, किस तरीके से बनेगा, इसको सिंपली इस तरीके से निशान लगाएं आप यहां पर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपको एक निशान लगाना है एक इंच की दूरी पे, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लें आप इसको। अब ये वाला जो निशान है ना, ये इस निशान में लाके आपको इस तरीके से मिलाना है, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। उसके बाद में क्या करना है, इसके बाहर की साइड आप एक या डेढ़ इंच के मार्जिन रखें और यहां पे मैं अपने निशान को लगा लें। तो मैं एक इंच की दूरी पे इस तरीके पे देखें निशान को लगा लेता हूं। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये देखें, हमने होल्डर नेक की कटिंग इस तरीके से कर दिया है। अब सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको प्रेस की सहायता से इस कपड़े में चिपका लेना है। तो देखें, इस तरीके से आपने इसे कपड़े पे चिपकाना है। इस तरीके से चिपकाने के बाद में आपको यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस कपड़े को कट करना है इस तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और हाफ इंच की दूरी पर आपने सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आपने कट करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम सिंपल गला बनाते हैं सेम तरीके से आपने ये फ्रंट में बनाना है। किस तरीके से बनाना है, ये देखें, इसको आप ऐसे ओपन कर लें, ठीक है, और जो सेंटर है यहाँ पर आप निशान लगा लें ताकि आपको सेंटर कनेक्शन इजीली नज़र आ सके, ठीक है। उसके बाद में ये जो गला है इसको हमें सिंपल इस तरीके से रखना है, ये देखें, निशान में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। इस तरीके से ये सेंटर आपने मिलाना है और जो सिंपल गला बनाते हैं सेम तरीके से आपने इस गले को बनाना है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखना है, उस गले की कटिंग करनी है और जो इसके कॉर्नर है यहाँ पर आपको इस तरीके से हल्के हल्के कट लगाने, बस ध्यान रहे सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। इस तरीके से, और इसको आपने इस तरीके से अंदर की ओर कर लेना गले को पूरे को। इसका मैं थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आएगा, ये देखें, हल्का सा हाथ से प्रेस कर ले इसको फिलहाल के लिए। आप चाहो तो यहाँ पर किनारे के फिर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसको अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाने हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, हाफ हाफ इंच के ना, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने, और यहाँ पर लगाने इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, जोड़ना किस तरीके से, पहले आप इसका लुक देख लें इस तरीके से आएगा, उसके बाद में इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। तो ये देखें, इसका लुक आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। जब मैं इसका शोल्डर जोड़ूंगा ना फिर इसका एकदम परफेक्ट लुक आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, इसको पहले मैं एक बार इस तरीके से चीर लेता हूँ, ठीक है, आ गया ना होल्डर नेक वाला लुक। अब सिंपल है क्या करना, इसका शोल्डर जोड़ना, जोड़ना किस तरीके से, जो बैक वाला पार्ट है इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, और जो फ्रंट वाला है इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब ये देखें, सिंपल इसको यहाँ से जोड़ लें आप, इसके बराबर रखें और सिलाई लगा लें। ये कट मैंने इसलिए लगाया था ताकि यहाँ पर सीधी सिलाई लग सके, ये घूम जाएगी भी इस तरीके से। अब एक कट आप यहाँ भी लगा लें छोटा सा, और एक कट लगा लें यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये देखिए, इसका लुक इस तरीके से आ गया। अब ये जो मार्जिन है ना ये अंदर चला जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और जहां तक हमने कट लगाए यहां तक हम क्या करेंगे, मार्जिन को अंदर करके
एक सिलाई लगा लेंगे किस तरीके से। तो देखिए मार्जिन में अंदर चला जाए, तो देखिए इसको मैंने प्रेस भी कर लिया, कितना शानदार इसका लुक आ रहा है। अगर इसका लुक और भी ज्यादा प्यारा करना है तो आप इसमें लेस लगा सकते हैं। अब लेस आपको कहाँ से लगानी है, देखें जो बैक वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से आपको लेस स्टार्ट करनी है और यहीं पर लाके खत्म कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से देखें, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखें जो बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लेस को लगाना है। इसी तरीके से आप पूरे गले में लेस को कंप्लीट कर लें। तो देखें दोस्तों, यह है इस गले का फाइनल लुक है। लेस लगाने के बाद कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है, ये देखें बैक साइड से इस तरीके से कॉलर घूम के आ रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम हॉल्टर नेक। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो फॉलो जरूर करें। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।